नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में भर्ती एक मरीज को इलाज नहीं मिलने से खफा कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रघुमन्न सिंह तोमर अस्पताल में अधीक्षक के ही कक्ष में धरना देकर बैठ गए। हालांकि जयारोग अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर जे एस सिकरवार का साफ तौर पर यह कहना है कि मरीज को बीमारी का इलाज यहाँ संभव नहीं है, उसे दिल्ली भेजना पड़ेगा। ग्वालियर के प्रसिद्ध सरकारी जयारोग्य अस्पताल में भर्ती एक मरीज को इलाज नहीं मिल पा रहा। टीकमगढ़ से आए इस मरीज के साथ उसकी मां भी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रघुमन्न सिंह तोमर का आरोप है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार गरीबों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, गरीबों के निशुल्क इलाज का दावा किया जा रहा है, लेकिन ग्वालियर में यह देखने को नहीं मिल रहा। श्री तोमर ने अस्पताल परिसर में मीडिया से चर्चा में कहा कि ग्वालियर का यह मामला इस बात का उदाहरण है कि प्रदेश में गरीबों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही। आज ये सवाल हो रहा है कि उस अंकित सैन को जो बीमारी है उसका ऑपरेशन या नहीं होगा। डॉक्टर हैं पर सुविधाएं यहाँ वो नहीं है, वो क्लिपिंग होनी चाहिए वो क्लिप नहीं है। मरीज दीनदयाल उपाध्याय का जो गरीबी रेखा का कार्ड है वो उसके पास है। हमारा कहना है कि अंकित को इलाज मिलना चाहिए। सरकार कह रही है, भारत सरकार और प्रदेश सरकार रोज कहते हैं हम गरीबों का इलाज कर रहे हैं, पर गरीबों को इलाज मिल नहीं रहा है, ये अपने आप में एक उदाहरण है। वहीं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर जे एस सिकरवार ने कहा कि बच्चे को जो बीमार है उसका यहाँ पर इलाज नहीं है, उसे इलाज के लिए दिल्ली भेजना पड़ेगा। अंकित सेन के इलाज के बारे में बात करने आए थे, उसको ब्रेन में उसकी नस सूजी हुई है, उसमें खराबी है, तो उसका ऑपरेशन यहाँ होना संभव नहीं है, इसलिए उसको कल दिल्ली जाने की सलाह दी गई थी। उसका ऑपरेशन यहाँ नहीं संभव नहीं है, दिल्ली में ही होता है वो। ग्वालियर के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रघुमन्न सिंह तोमर बीमार को अस्पताल में ही इलाज दिलाने पर अड़े हैं और अपने समर्थकों के साथ अस्पताल अधीक्षक के ऑफिस में धरना देकर बैठ गए हैं। प्रघुमन्न सिंह तोमर के धरने पर बैठने के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर दिया है। ग्वालियर से न्यूज आज के लिए भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।